100 महिलाओं को निशुल्क उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरित कर बोले विधायक रामपाल सिंह राजपूत। धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात मिलेगी महिलाओं को, क्षेत्र के विकास में आर्थिक समस्या आने नहीं दे जाएगी। शासकीय महाविद्यालय में विधायक श्री सिंह ने नमो वन में रोपा पौधा। सिलवानी, प्रत्येक पात्र महिला को धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात दिलाए जाने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक परिवार को गैस पर भोजन बनाने के साथ ही मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाने के बाद होने वाली परेशानी से मुक्ति मिल सके। विधायक पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने नगर के शासकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। यहां पर 100 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण किया। कार्यक्रम में कॉलेज प्राचार्य डा बी डी खरवार के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला ने भी संबोधित किया। यहां पर लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र व परिवार सहायता राशि के स्वीकृत पत्र भी वितरित किए गए। श्री राजपूत ने कहा कि महिला उत्थान के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ भी महिलाएं उठा रही है। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से अपने परिवार में आर्थिक विकास की एक कड़ी बनकर बराबर सहयोग कर रही है, ताकि वह आर्थिक रूप से अपने पांव पर खड़ी होकर स्वयं स्वरोजगार स्थापित कर सके। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ विभिन्न विभागों के मैदानी अमले के द्वारा घर पहुंच कर दिया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए बताया कि 15 माह के शासन में प्रदेश में भ्रष्टाचार राज कायम हो गया था, बगैर पैसों के कोई काम नहीं होते थे। कांग्रेस ने अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं को बंद कर दिया था, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही बंद की गई हितग्राही मूलक योजनाओं को पुनः प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास में आर्थिक परेशानी नहीं आने दी जाएगी, अनेक निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, गाँव में भी शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रारंभ में कन्या पूजन किए जाने के साथ ही मौ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया।